हाल फिलहाल में नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार आतंकी हिट एंड रन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों और नागरिकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ काम करने लगते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग हैं जो आम लोगों के बीच मिलकर रहते हैं। ये तमाम हमले ऐसे आतंकी कर रहे हैं जो अभी नए नए भर्ती हुए हैं। नए आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही वजह है कि NIA और पुलिस मिलकर नए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अलग से ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि नए आतंकियों की भर्ती लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF कर रहा है। TRF कश्मीर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिस युवा को हमले के लिए चुना जाता है उसे पैसा और हथियार दिए जाते हैं। पैसा और हथियार स्थानीय आतंकियों की मदद से मिलता है। नए हाइब्रिड आतंकियों को निर्देश होता है कि मारो या भाग जाओ। हाइब्रिड आतंकी हमला करने के बाद छिपते नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं क्योंकि उनको दिया गया टास्क पूरा हो जाता है। चुने हुए लोगों पर हमला करने और फिर वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाने वाले इन आतंकियों का ब्रेन वॉश लश्कर के कमांडर करते हैं। इन लोगों को छोटे हथियारों से हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल हाइब्रिड आतंकियों को खास तौर से उन कामकाजी लोगों को निशाना बनाने के लिए कहा जाता है जिनका समाज पर कुछ असर होता है ताकि उनकी मौत से लोगों में दहशत पैदा हो सके।